नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। तीन अगस्त को राहुल गांधी ने लाइक माइंडेड पार्टीज के कई एमपीज को सुबह के नाश्ते पर आमंत्रित किया था। राजनेता जब मिलते हैं तब मेन्यू में क्या है ये तो बस बहाना होता है बातचीत करने का। दो महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं राहुल गांधी के इस इनिशिएटिव से। पहला, वे एंटी बीजेपी एफर्ट्स को पुश करना चाहते हैं। दूसरा, वे दूसरे पार्टीज के साथ कॉमन कॉज बनाने के लिए तैयार हैं। ये दोनों बातों पर कांग्रेस अभी तक थोड़ी हेजिटेंट लगती थी। नाश्ता खत्म करके 15 पार्टीज के एमपीज ने साइकिल पर संसद तक एक रैली निकाली। शाम को कांग्रेस ने इस दिन को ऐतिहासिक ऐलान कर दिया और कहा कि यह तो बस 2024 का ट्रेलर है। राहुल गांधी की इनिशिएटिव के 2-4 दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो दिल्ली के दौरे पर आई थी। उन्होंने विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकातें की, कहा कि साझा ऑपोजिशन फ्रंट के अलावा और कोई ऑपोजिशन पार्टीज के पास ऑप्शन नहीं है। द मूव्स ऑफ ममता बनर्जी एंड राहुल गांधी टेक प्लेस व्हेन मोदी 2.0 फेसेस इस मोस्ट वल्नरेबल मोमेंट सिंस इट्स री इलेक्शन इन 2019। आपको याद होगा वेस्ट बंगाल में बीजेपी की हार इट कोइंसाइडेड विद अ ग्रॉस इरोजन इन पीपल्स ट्रस्ट इन बिलीफ इन नरेंद्र मोदीज एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटीज। देर आर सेवरल प्रॉब्लम्स विच द बीजेपी फेसेस इंक्लूडिंग द ओपन टसल गोइंग ऑन बिटवीन द सेंट्रल लीडरशिप एंड द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए व्यापक भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने के लिए काम शुरू करने का ये उपयुक्त समय है। यह प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अलायंस बिल्डिंग बहुत आसान नहीं है, स्टेट्स में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो कैसे बनेगा उस पर ध्यान देने की बात है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शंस में अलायंसेस अलग होंगे, नेशनल लेवल पे शायद अलायंसेस डिफरेंट होंगे। अगले साल यानी 2022 में 7 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं जिनमें उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। बीजेपी के नेता खास तौर से नरेंद्र मोदी इन ऑपोजिशन पार्टीज के एफर्ट्स को रिडिक्यूल करते आते हैं। वे कहते हैं कि ये क्या देंगे, खिचड़ी सरकार देंगे क्या देश को, ऑपोजिशन को यह कहकर डिस्पैरेज करते हैं। यह बात अलग है कि खिचड़ी बहुत ही हेल्दी फूड है। ऐसी सरकार राष्ट्र के डेमोक्रेटिक स्पिरिट के लिए बहुत उपयुक्त होगी। यह सोचना गलत है कि गठबंधन रीसेंट और नेगेटिव फिनोमिनन है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स आइडेंटिटी ग्रुप्स एंड दीज हैव रिमेन्ड इन सोशल कोअलिशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सामाजिक गठबंधन भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। एक पारंपरिक या ट्रेडिशनल भारतीय लंच या डिनर की थाली, उसके रूप में हमारे समाज की जरा एक बार कल्पना कीजिए। जिस तरह से
हर व्यंजन का स्वाद अलग और निराला होता है। ठीक उसी तरह से भारत के अलग अलग प्रांत के लोग जो हैं वो डिस्टिंक्ट और एक्सक्लूसिव होते हैं। द बीजेपी में क्रिटिसाइज कोअलिशंस बट द पार्टी कैनॉट फॉरगेट दैट इवन मोदी सिट्स ओवर अ कोअलिशन गवर्नमेंट। इन सेवरल स्टेट्स टू द पार्टी इज इन पार्टनरशिप विद अदर अलायंस पार्टनर्स टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। 1998 से 2004 के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोअलिशन सरकार को हेड किया था। यह बात अलग है कि मोदी के अंडर बीजेपी की अपनी मेजॉरिटी है। भारतीय इतिहास में एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कोअलिशंस कैन बी ट्रेस्ड टू द पूना पैक्ट ऑफ 1931 एंड द इंसिस्टेंस ऑफ कांग्रेस ऑन प्लूरलिस्टिक पॉलिटिक्स। बी आर अंबेडकर ने दलितों के लिए मुस्लिम लीग की तरह सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को फिक्सेट नहीं किया था। सीट्स वर फाइनली रिजर्व्ड आफ्टर द एग्रीमेंट विद द वोटर्स फॉर्मिंग अ कॉमन यूनिफाइड बॉडी। इस तरह से गैर दलितों ने दलित प्रतिनिधियों को चुना एंड द वाइस वर्सा हैपेंड। सोशल ऑस्ट्रिसाइजेशन माइट स्टिल रिमेन अ प्रॉब्लम इवन नाउ बट लॉ मेक्स इट नेसेसरी फॉर नॉन दलित्स टू हैव दलित्स एज देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। 1947 तक ये बात स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस हिंदुस्तान के अधिकांश हिस्से में कांग्रेस से सत्ता को अपने हाथ में ले लेगी थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जब से राष्ट्रीय आंदोलन ने ताकत हासिल की थी कांग्रेस ने पॉलिटिकली और सोशली डाइवर्स होने के लिए क्षमता को विकसित किया था। इंडिया एक्सपीरियंस्ड इट्स फर्स्ट कोअलिशन एट द इलेक्टोरल लेवल in 1937 between the Muslim League and the Congress after the provincial legislature elections following the adoption of the Government of India Act of 1935. 1946 mein bhi Congress ke gathbandhan the do Muslim dominated provinces mein, North East Frontier Province aur Kashmir Riyasat mein. It also shared power, though very uneasily, with the Muslim League. Congress ko aajkal criticize karna to fashion hai, parantu ye Congress ka ek flexible approach towards politics hai, jiski wajah se Bharat ko ek stable political system pradan hua. Mahatvapurn roop se ye sab us waqt provide hua jab Bharat पार्टीशन के ट्रॉमा से निकल रहा था। आजादी के तुरंत बाद नेहरू की सरकार में कांग्रेस के बाहर से कई दिग्गज मौजूद थे। लीडर्स लाइक डॉक्टर बी आर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एंड एक्सपर्ट्स लाइक डॉक्टर जॉन मथाई एंड सी डी देशमुख वे नोन क्रिटिक्स ऑफ द कांग्रेस बट वे मिनिस्टर्स विथ मिस्टर नेहरू। Importantly, the Congress was a party of power as well as home for those who disagreed with the policies of the government. Nehru ke netritv mein Congress ne party ki rashtra ke saath tulna nahi ki jaisa ki ab aksar kiya jata hai. Aap sarkar aur party ki alochna kar sakte the tab bhi कोई आपको देशद्रोही नहीं करार देता था। There were shortcomings, of course. The Nehru government dismissed the first ever communist government in Kerala in 1959. Later under Indira Gandhi, Article 356 of the Constitution was regularly misused to dismiss state governments. प्रधानमंत्री मोदी फेडरलिज्म के प्रति अपने कमिटमेंट का जिक्र अक्सर करते हैं। उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का
कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है। बट पेइंग लिप सर्विस इज नॉट इनफ। मोदी का फेडरलिज्म कोऑपरेटिव कम है, कोअर्सिव ज्यादा है। फेडरलिज्म सिंस 2014 हैज बिकम मोर सेंट्रलाइज्ड। इवन द कोअलिशन दैट मोदी हेड्स इज नाउ वन जस्ट इन नेम। अक्सर माना जाता है कोअलिशंस 1967 के बाद हिंदुस्तान में उभरे और 2014 के बाद कोअलिशन एरा पूरी तरह से खत्म हो गया, परंतु यह सत्य से परे है। भारत में दरअसल गठबंधन की राजनीति के 5 अलग पीरियड्स में प्लेस किया जा सकता है। पहला फेज 1952 और 1967 के बीच। भारत के पहले आम चुनाव 1952 कांग्रेस पार्टी सिस्टम को अशर इन करती है। यह हमारा इतिहास बताता है। 15 वर्ष के दौरान कांग्रेस मोस्ट डोमिनेंट पार्टी रही। बट इवन इन दिस पीरियड देयर वर कोअलिशंस इन केरला एंड इन उड़ीसा। विडंबना है, बीजेपी ने अपने पिछले अवतार भारतीय जनसंघ के रूप में चुनाव में विपक्षी पार्टियों के साथ उनके साथ अलायंस बनाने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। इन मई 1963 द सोशलिस्ट पार्टी, द स्वतंत्र पार्टी एंड द जनसंघ पुट अप ओनली 1 कैंडिडेट ईच इन 4 लोकसभा बाय इलेक्शन। प्रमुख रोल इसमें जनसंघ का था। ऑफ देम दीनदयाल उपाध्याय द जनसंघ स्टॉलवर्ड ही लॉस्ट द इलेक्शन। एकमात्र इसी एक बार वो चुनाव लड़े थे। बट जेबी कृपालनी, राम मनोहर लोहिया एंड मीनू मसानी वन देयर सीट्स। कोअलिशंस को बदनाम दूसरे फेज 1967 और 1980 के बीच के डेवलपमेंट्स की वजह से किया जाता है। फेलियर्स हाईलाइट किए जाते हैं, कैसे 1967 के इलेक्शंस के बाद स्टेट्स में संयुक्त विधायक दल के सरकारें अनस्टेबल रही और अल्टीमेटली जाकर मिड टर्म पोल कराना मजबूर हो गया। और उसके बाद 1977 में जनता पार्टी, उसकी सरकार बनी, लेकिन परंतु 3 साल के अंदर 1980 में मोरारजी देसाई और चरण सिंह दोनों को प्रधानमंत्री के पद से एक के बाद एक इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इन दोनों सब पीरियड्स के एक्सपीरियंस से ऑपोजिशन पार्टीज को बहुत एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिला, साथ ही कॉन्फिडेंस मिला कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस कैन बी चैलेंज्ड इन स्टेट्स एज वेल एज इन सेंटर। इंदिरा गांधी के 1980 में वापसी के लगभग 1 दशक बाद वीपी सिंह और उसके बाद चंद्रशेखर ने कोअलिशन गवर्नमेंट्स हेड किए। वीपी सिंह बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर हेरल्डेड द स्टार्ट ऑफ द 4th फेज ऑफ कोअलिशंस इन द कंट्री एंड दिस कंटिन्यूड टिल 2014। वीपी सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव, जी हां वे भी, क्योंकि 1991 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरसिम्हा राव, तब वो माइनॉरिटी सरकार थी। इन तीनों सरकारों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पूरे प्रोसेस को अशर इन किया। आज कंटेम्पररी इंडिया में जो राजनीति है उसमें इसका कॉन्स्टेंट रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। 1989 से 1998 तक इस दौर को हम कोअलिशन एरा का फॉर्मेटिव फेज कह सकते हैं। 1998 में एनडीए सरकार का गठन हुआ। इसी पीरियड से सीख लेकर, मतलब 89 से लेकर 98 के पीरियड से सीख लेकर बीजेपी ने अपने जो 3 सबसे कंटेंशियस इशू थे इनको बैक बर्नर पे रखा। 6 साल तक राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 370 को रद्द करने की
कोई बात नहीं की गई। यूपीए के टेन्योर में बहुत प्रो पीपल डिसीशंस लिए गए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे प्रमुख कानून और इनिशिएटिव्स लिए गए ये 10 साल के पीरियड में। इन 2014 आफ्टर 3 decades अ सिंगल पार्टी एक्वायर्ड अ मेजॉरिटी। व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इन दिस पीरियड हैज स्टैग्नेटेड, द इयर्स हैव सीन अनअबैश्ड परस्यूट ऑफ द बीजेपी आइडियोलॉजी। सहयोगी दलों के समर्थन पर निर्भर ना होने के कारण भाजपा अपनी ही एजेंडा को परस्यू करती रहती है। भारतीयों के लिए ये अब तय करना जरूरी है कि उनको पुनः अपने आप को कोलिशन गवर्नमेंट्स के लिए तैयार करना है या दे वांट टू कंटिन्यू विद एन ओवर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। उनको ये ध्यान रखना होगा कि कोलिशंस आर एक्चुअली नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटी। नमस्कार।